अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपने इनकी वीडियोस जरूर देखी होंगी। इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निशा लांबा के बारे में। निशा लांबा को कौन नहीं जानता, जो एक कमाल की मेकअप आर्टिस्ट हैं। निशा लांबा की प्रोफेशनल लाइफ तो आज हर कोई जानता है, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है और कैसे ये इस मुकाम तक पहुंची, ये कोई नहीं जानता। वहीं हर किसी का सवाल बस एक ही है कि निशा लांबा का डिवोर्स क्यों हुआ और इसके पीछे की असली वजह क्या थी। वहीं निशा लांबा के डिवोर्स की सच्चाई जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे और आपको भी यही लगेगा, निशा लांबा ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। आज आपको बताएंगे निशा लांबा की लव स्टोरी से लेकर डिवोर्स तक की पूरी कहानी, और साथ ही आपको बताएंगे इनकी लाइफ के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। निशा लांबा, जो कि ब्यूटी केयर और हेयर ट्रीटमेंट के लिए जानी जाती हैं, इनकी सोशल मीडिया पर मिलियंस में फैंस हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इनके पास आते हैं। निशा लांबा का जन्म 1987 को दिल्ली में हुआ और ये सोशल मीडिया पर निशा लांबा के नाम से फेमस हैं। निशा एक जाट फैमिली से बिलोंग करती हैं, इनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग है। तो अब बात कर लेते हैं निशा के एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में। स्टार्टिंग की पढ़ाई इन्होंने दिल्ली की एक प्राइवेट स्कूल से की और वहीं से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया। तो अब बात कर लेते हैं निशा लांबा की लव स्टोरी और डिवोर्स की असली वजह क्या थी। कुछ लोग हमसे पूछते हैं ज़िंदगी में हमने क्या खोया। ईश्वर की कृपा से ज़िंदगी में हमने कुछ नहीं खोया, पर जिन्होंने हमें खोया उन्होंने बहुत कुछ खोया। निशा लांबा एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और प्यार की खातिर उन्होंने वो सब कुछ किया। निशा जब 10th क्लास में थी तभी उन्हें एक लड़के से ट्यूशन में प्यार हो गया था और उनका रिलेशनशिप 5 साल तक चला, और इसके बाद निशा ने डिसाइड किया कि उन्हें शादी करनी है, लेकिन उनकी फैमिली बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। निशा ने कैसे भी करके अपनी फैमिली को मना लिया और इसके बाद इनकी शादी हो गई। और शादी के कुछ टाइम बाद ही निशा के पति ने उन्हें मारना पीटना स्टार्ट कर दिया और एब्यूज करते थे। जो मुझे मारा पीटा था तो उसने मुझसे माफी मांग ली, मेरा गुस्सा ठंडा हो गया, फिर हम दोबारा से जिंदगी जीने लगे। फिर 2-4 महीने में फिर मार देता था, फिर माफी मांग लेता था, फिर मार देता था, फिर माफी मांग लेता था। और इसके बाद निशा की मम्मी ने समझाया कि वो एक बेबी कर लें जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी के कहने पर निशा ने 2 बच्चियों को जन्म दिया, पर निशा के पति का व्यवहार वही रहा, वो निशा को मारते पीटते और गलत व्यवहार करते। निशा लांबा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। अगर वो अपनी फैमिली के पास जाती तो उनकी फैमिली उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती। निशा लांबा 8 साल तक सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन उनकी बर्दाश्त करने की क्षमता अब खत्म हो चुकी थी। इसके बाद निशा ने डिसाइड किया कि वो अपने पति से डिवोर्स लेंगी। निशा लांबा जिस लड़के से इतना प्यार करती थी, अपने प्यार की खातिर उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया और उसी लड़के ने निशा के साथ ये सब कुछ किया। मेरी राधा होके अपना शाम भूल गई। निशा लांबा का एक छोटा सा पार्लर था पर उन्हें कोई भी नहीं जानता था। और डिवोर्स होने के बाद कोविड के टाइम निशा ने सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते उनकी वीडियोस सारी वायरल होने लगी। निशा को सोशल मीडिया से एक अच्छी खासी पहचान मिली। अब निशा खुद में ही एक ब्रांड बन चुकी है। वैसे आपको निशा लांबा कितनी पसंद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। निशा लांबा अपने दर्द को छिपाकर दुनिया के सामने हंसती रहती हैं और अपनी दोनों ही बेटियों की अच्छी परवरिश कर रही हैं। निशा लांबा को प्यार में धोखा मिला, शादी टूटी, घर वाले छूट गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हौसले को हारने नहीं दिया। निशा लांबा ने अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया है, तब जाकर इन्हें अच्छी खासी पहचान मिली। वहीं कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जो निशा लांबा को बहुत ही ज्यादा ट्रोल करते हैं उनके कपड़े और उनकी बॉडी को लेकर। अब ये निशा की अपनी पर्सनल लाइफ है, उन्हें जो पहनना है जो करना है वो कर सकती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, निशा लांबा के पति ने उनके साथ सही किया या गलत? वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने ओपिनियन जरूर देना, मैं सबके कमेंट्स को रीड करती हूँ। थैंक यू गाइस। एक दिन सब मर जाएंगे मुझ पर।
सही कहा गया है कि कुछ बनाने में उम्र गुजर जाती है और टूटने में एक लम्हा सब खत्म कर दे।